मित्रों नमस्कार, मैं पंडित लाल बहादुर शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा ज्योतिष का विषय है श्रावण मास के प्रारंभ से करे भगवान शिव जी की आराधना। मित्रों, श्रावण मास से पूजन करने से अभिषेक करने से क्या लाभ प्राप्त होता है उसके विषय में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि श्रावण मास जो है इस बार 10 जुलाई दिन सोमवार से प्रारंभ हो रहा है, जो कि बहुत शुभ योग से प्रारंभ हो रहा है। इस श्रावण मास में प्रथम सोमवार पड़ने से इस श्रावण मास का भगवान शिव जी की कृपा का विशेष महत्व होगा। इसलिए मित्रों, सभी भक्तों पर भगवान शिव जी की इस बार अति कृपा होगी और भगवान शिव जी की गई पूजा से विशेष लाभ होगा। इसमें कालसर्प दोष से संबंधित दोषों को दूर करके जीवन में आने वाली परेशानियां तथा जीवन में चल रही परेशानियों को दूर किया जा सकता है। मित्रों, आप सभी के जीवन में बाबा भोलेनाथ की कृपा बरसती रहे, यही मंगल कामनाओं के साथ इस श्रावण मास के जो शुभ योग का हमारे जीवन में प्रारंभ हो तथा हमारे भगवान हमारे सभी के जीवन में, भाई बंधुओं के जीवन में, माताओं बहनों के जीवन में भगवान देवों के देव महादेव की कृपा बरसती रहे। मित्रों, भगवान शिव जी वैदिक परंपरा के अनुसार रुद्राभिषेक का मानव दिनचर्या में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मानव शरीर रचना वैदिक गठन के अनुरूप है, ऐसा महर्षि प्रणीत अनुसंधानों से प्रमाणित हो चुका है कि इसको करने से मानव जीवन में अवश्य जो है इस शुभ योग का फल प्राप्त होता है। व्यापार व्यवसाय कला कौशल शास्त्र अनुसंधान और व्यवहार कुशलता का सफल संपादक उत्साह पूर्वक होता है। इसमें जीवन दीर्घ जीवन के आरोग्य स्थानों का स्वतः संचय हो जाता है। रुद्राभिषेक करने के अनेक विधान दिए गए हैं, जिसमें बड़े से बड़े रुद्राभिषेक, लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र, अति महारुद्र क्रमशः उत्तरोत्तर श्रेष्ठ में कहे गए एक से एक बढ़कर है। मित्रों, लेकिन साधारण मनुष्य साधारण तरीके से ही अपने जीवन में अभिषेक कर सकता है, इसलिए साधारण तरीके से आप सभी श्रावण मास के प्रारंभ से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। इसके लिए साधारण रूप से आप पत्र अर्थात बेलपत्र, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर जो है गुड़ की ही हो, शक्कर, गंगा जल, धूप, दीप तो मैंने बताया ही, पुष्प आप अगर हो सके संभव तो आप केवल सफेद पुष्प ले, इत्र की सीसी, यज्ञोपवीत जिसको जनेऊ कहा जाता है, इन सभी वस्तुओं को लेकर के अपने आसपास धर्म स्थान पर जहां भगवान शिव जी की प्रतिष्ठा हुई हो, अगर ना हो सके तो आप घर में भी आप भगवान शिव जी का इस पूरे श्रावण मास में अभिषेक कर सकते हैं। इसके लिए आप बस एक ध्यान रखें कि घर में भी जो भगवान शिव जी की प्रतिमा रखी जाती है चार अंगुल से ज्यादा की ऊंचाई ना हो, इसलिए घर में आप चार अंगुल तक की शिव की प्रतिमा रख करके उसका पूजन कर सकते नित्य नियम के अनुसार। इसके लिए आसन बिछाकर ना आसन का ध्यान रखें कि कंबल का आसन ही हो, ऊनी वस्त्र ऊनी आसन होना सब ज्यादा उत्तम माना गया है, और आसन नीचे बिठा करके अपना मुख जो है उत्तर की तरफ रखिए, क्योंकि भगवान शिव जी का पूजन जो है उत्तर की ओर किया जाता है। और उसके पश्चात अपने सामने किसी पात्र में, किसी बर्तन में या किसी चौकी पर भगवान शिव जी के शिवलिंग को किसी पात्र में रख दें। उसके बाद भगवान गणेश जी का ओम गंग गणपते नमः का 11 बार भगवान शिव गणेश जी का आह्वान करें, और साथ में भगवती गौरदा माता का आह्वान करें कि भगवान विघ्नों को दूर करने वाले विघ्नेश्वर भगवान, श्रावण मास के मैं सर्वप्रथम सोमवार से भगवान शिव जी की पूजन का जो कार्य करने जा रहा हूँ, आप कृपा करके मेरे इस पूजन को स्वीकार करके इसको विघ्न बाधा के भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त हो और मेरी पूजन स्वीकार हो। इस प्रकार प्रार्थना करके जो चावल हैं थोड़े भगवान शिव जी के उस शिवलिंग पर चढ़ाएं, और उसके बाद किसी पात्र में रख करके सर्वप्रथम भगवान शिव जी की जो है जल से स्नान कराएं। जल से स्नान कराने के पश्चात उसके बाद आप भगवान शिव जी को दूध से स्नान कराएं। दूध से स्नान कराने के पश्चात दही से स्नान कराएं। दही से स्नान कराने के पश्चात भगवान शिव जी को घी से स्नान कराएं, देसी घी से। घी से स्नान कराने के पश्चात भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आप शहद से अभिषेक करें, शहद डालें। शहद डालने के बाद आप सबसे बाद में शक्कर से भगवान शिव जी के शिवलिंग को, गुड़ वाली शक्कर से, उसके पश्चात उनको जल से और गंगा जल की धारा से स्नान कराएं। गंगा जल की धारा कर चढ़ाने के बाद उसके बाद किसी साफ वस्त्र से भगवान के शिव जी के शिवलिंग को आप साफ कर दीजिए। उसके बाद हो सके तो आप कोई परना सफेद वस्त्र, नहीं तो आप कच्चे सूत का धागा लें, कच्चे सूत का धागा भगवान शिव जी के ऊपर लपेट कर करके चढ़ा दें। उसके पश्चात यज्ञोपवीत जो जनेऊ है भगवान शिव जी को चढ़ाएं। यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद भगवान शिव जी को सफेद चंदन का तिलक करें। सफेद चंदन का तिलक करने के पश्चात थोड़े से साबुत चावल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाएं। बस एक बात का ध्यान रखें मित्रों, इन सभी चीजों को करने के समय आप नमः शिवाय का, ओम नमः शिवाय का पंच अक्षर मंत्र, या तो नमः शिवाय या 6 अक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। इसके बाद जाप करने के पश्चात आप फूल का सेहरा भगवान शिव जी को चढ़ा दें। बेलपत्र भी साथ में रहे, 5 बेलपत्र के पत्ते भगवान शिव जी पर, अर्थात ये ध्यान रखें कि पत्ते किसी प्रकार खंडित ना हो, कटे पिटे ना हो, साफ स्वच्छ पत्ते हो, उनको भगवान शिव जी के ऊपर 5 पत्तों को चढ़ाएं। 5 पत्तों को चढ़ाने के पश्चात आप भगवान शिव जी को मिष्ठान चढ़ाएं। मिष्ठान में एक चीज का ध्यान रखें कि मिष्ठान जो है या तो पंचमेवा से संबंधित हो, या तो कोई सफेद बर्फी हो या गुड़ हो, क्योंकि अन्न का भोग भगवान शिव जी को नहीं लगाया जाता। आप किसी जो है
किसी मिष्ठान में अगर तो पंचमेवा, नहीं तो आप सफेद बरी फीका भोग लगाएं। उसके बाद भगवान शिव जी को ऋतुफल अर्पण करें। ऋतुफल का मतलब जो श्रावण मास में फल सबसे अधिक चलता हो, नया फल आया हो, उसको चढ़ाना सर्वोत्तम उत्तम है। उस फल को चढ़ाएं, प्रार्थना करें और वहां पर आप बैठ करके धूप दीप इत्यादि जला करके भगवान शिव जी को आरती करें। और उसके बाद वहां बैठ करके आसन पर भगवान शिव जी के या तो महामृत्युंजय का मंत्र का जाप, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् पूर्वार्किमि वंदनात् मृत्यु मोक्षे मामृतात्, इस जाप को 108 बार करें, या ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करें, या नमः शिवाय का ही जाप 108 बार करें। इसके करने के पश्चात आप भगवान शिव जी को नीचे जमीन पर लेटकर अपने मस्तक को नीचे जमीन पर लगाकर भगवान शिव जी के सामने प्रार्थना करें, अपनी हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे तथा कहें कि हे परमात्मा, मेरी जन्म कुंडली, वर्ष फल कुंडली तथा जीवन में मेरे सभी पुत्र संतान आदि सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप देव के देव महादेव हैं, मेरे ऊपर कृपा करें। इस श्रावण मास के शुभ योग में मेरे जो भी दोष हैं उन दोषों को दूर करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात जो आपके पात्र में पंचामृत बन गया है, उन पंचामृत को थोड़ा सा अपने मुख से लगा करके पंचामृत लें, और उसके पश्चात पत्र फूल आज किसी लिफाफे में इकट्ठा करके, और उसके पश्चात जो पंचामृत है उस पंचामृत को किसी वृक्ष में, बड़े वृक्ष में, तुलसी आदि में को न डालें, किसी बड़े वृक्ष में ही आप उस पंचामृत को डालें, और फिर से भगवान शिव जी को सभी चीजों से शुद्ध करके उनको आसन पर फिर अपने धर्म स्थान पर बिठा दें। इस प्रकार प्रत्येक सावन के दिन में आप इस अभिषेक को करके, साधारण अभिषेक को करके अपने जीवन में भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, भगवान को श्रद्धानुसार प्रेम के द्वारा अगर हम प्रार्थना करते हैं और सच्चे मन से हृदय से पूजा करते हैं तो भगवान किसी मंत्र के अधिकार पर निहित नहीं है। देखिए, मंत्र जो होते हैं वो स्वर्ण आभूषण है और जो कर्म है वो स्वर्ण है। अर्थात हम अगर अपने भगवान को श्रद्धानुसार जो कार्य करते हैं वो तो उत्तम है, लेकिन अगर मंत्रों के द्वारा होता है उस कार्य में यही है कि उसके अंदर सुंदरता अधिक आ जाती है। इसलिए भगवान स्वयं के द्वारा भी की गई श्रद्धानुसार को पूजा को स्वयं स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान जो है प्रेम और श्रद्धा की भाषा को अवश्य जानता है। इस प्रकार मित्रों, आप इस श्रावण मास में किए गए इस साधारण पूजा से अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, वैसे भगवान शिव जी के अनेक प्रकार से अभिषेक होते हैं और उनका विशेष प्रकार से अभिषेक करने से विशेष लाभ। जल से अभिषेक करने से वर्षा होती है और कुसा के जल से घर में शांति प्राप्त होती है। जल की धारा से अभिषेक करने से ज्वर शांति अर्थात बुखार की शांति प्राप्त होती है। दही से अभिषेक करने से पशु की प्राप्ति होती है। ईख भगवान शिव जी का गन्ने के रस से अभिषेक करने से उत्तम धन सुख लक्ष्मी प्राप्ति होती है। अगर भगवान शिव जी को मधु शहद घी से अभिषेक करने से श्रावण मास में प्रत्येक दिनों में श्रावण मास में धन की प्राप्ति होती है। किसी तीर्थ जल से अर्थात गंगा जल से अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूध की धारा के अभिषेक करने से पुत्र अथवा पुत्री की प्राप्ति होती है तथा प्रेमेह रोग की शांति होती है। मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। गौ के दूध से अभिषेक करने से अर्थात अगर हम गाय के दूध से भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं तो जिनके संतान की प्राप्ति नहीं हो रही संतान की प्राप्ति होती है। तथा अगर कोख भी बंधी हो तो दूध के गाय के दूध से अभिषेक करने से कोख भी खुल जाती है। घृत घी की धारा से अभिषेक करने से भगवान शिव जी का वंश विस्तार होता है, कुल की वृद्धि होती है। शक्कर मिले हुए दूध से जड़ बुद्धि निर्मल होती है अर्थात दूध में शक्कर मिला करके अगर भगवान शिव जी को चढ़ाया जाए तो बुद्धि में जो खोट है या बुद्धि में जो परेशानी हो रही है वो दूर होती है। सरसों के तेल से भी भगवान शिव जी का अभिषेक होता है, लेकिन यह शत्रु की बुद्धि से मैत्री भाव जागृत होती है तथा रोगों का नाश होता है। शत्रु को परास्त करने के लिए तेल की धारा से भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाता है। शहद से अभिषेक करने से यक्षमा रोग की शांति तथा पाप क्षय होता है, पापों से मुक्ति मिलती है। मित्रों, आरोग्य की इच्छा रखते हैं, शरीर स्वस्थ रहना चाहता है, शरीर निरोग रोगी है तो शरीर को निरोग करने के लिए घृत घी से तथा दीर्घ आयु की इच्छा वाले को दुग्ध से अभिषेक करना चाहिए। चीनी मिश्रित जल से अर्थात दूध में मिश्री डाल करके भगवान शिव जी का अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान शिव जी के इस श्रावण मास में आप सर्वप्रथम दिन से पूजन करके इन अभिषेकों को साधारण रूप से करके अपने जीवन में असाधारण प्रगति और भगवान शिव जी की असाधारण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, ये श्रावण मास का प्रारंभ आप सभी के जीवन में खुशहालियां और सुख समृद्धि लेकर आए और भगवान शिव जी की पूजन और कृपा से आपके जीवन में सभी प्रकार की आपकी मनोकामनाएं पूर्ण। मित्रों, मैं आपको इस श्रावण मास में इस प्रथम सावन के प्रारंभ के बाद आपको विशेषकर आने वाले सभी श्रावण मास के समयों में दिनों में कुछ ना कुछ आपको श्रावण मास से संबंधित योगों के द्वारा आपके जीवन में ज्योतिष संबंधित विचारों को बताता रहूंगा। मित्रों, आज आप हमारे इस शुक्ला ज्योतिष केंद्र YouTube को नीचे दिए गए बटन को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़कर ज्योतिष संबंधित आने वाले नए नए विषयों की जानकारी लेते रहें। मित्रों, आज का विषय यहीं समाप्त होता है। आपके सामने फिर से नया विषय लेकर कुछ समय पश्चात फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार।